तो वो वाला हम देखे थे। तो आज हम इसमें एक्सेल में एक और ऑप्शन है रिव्यू बोल के। तो एमएस वर्ड में भी हम इसके बारे में डिस्कस किए थे कि रिव्यू में आप लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो एक जो रिव्यू में कर सकते हैं, आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं और मीनिंग वगैरह आप ढूंढ सकते हैं, जो आप लोगों ने जो टाइप किया हो उसका दूसरा वर्ड आपको चाहिए तो वो आप कर सकते हैं, और ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। ट्रांसलेशन जैसे कर सकते हैं कि आपको अपने कीबोर्ड, अपने डेस्कटॉप में या मोबाइल में जो है आपको लैंग्वेजेस इंसर्ट करना पड़ेगा, तभी आप लोग ट्रांसलेशन का ऑप्शन आप एक्टिव कर सकते हो। ठीक है, और ये न्यू कमेंट का भी मैंने आपको बताया था कि आप लोगों ने कुछ यहाँ पे टाइप किया है और उसमें आपको कमेंट डालना है, तो क्या करना है आपको, वो सेलेक्ट करके वहाँ पे कमेंट का ऑप्शन दबा दीजिएगा और वहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं बीएड स्टूडेंट। तो यहाँ पे मैंने कमेंट डाल दिया था कि ये स्टूडेंट का क्या मतलब है, इसका मतलब बीएड स्टूडेंट है। तो उसी तरह जो है आप लोग कमेंट डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने एसबी लिखा तो आपको नहीं पता चलेगा कि इसका क्या मतलब है, तो मुझे मैं क्या कर सकती हूँ, आप लोग क्या कर सकते हैं उसमें, आप कमेंट ऐड कर सकते हैं। उसके लिए आपको वही सेल को सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उसको ये न्यू कमेंट में क्लिक करो और वहाँ पे जो है आप कर सकते हैं कि एसडी का मतलब है स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो उसी हिसाब से आप लोग कमेंट ऐड कर सकते हैं। जब आप लोग कमेंट ऐड करेंगे तो यहाँ पे एक राइट टॉप कॉर्नर पे जो है एक रेड कलर का दिखेगा आपको, तो उसका मतलब आपने वहाँ पे कमेंट ऐड किया है। तो कोई भी सेल हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मीन मैंने लिख दिया था। तो नॉर्मली जो है सेल में वो रेड कलर का ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको, जब हम कमेंट का ऑप्शन एक्टिव है या कमेंट वहाँ पे ऐड करेंगे तो वहाँ पे रेड कलर का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मीन के ऑप्शन में मैं मुझे कमेंट डालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मीन का जो सेल है सेलेक्ट करो और वहाँ पे जो है न्यू कमेंट का ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक कर लेना और यहाँ पे लिखो कि मीन का क्या मतलब है, जो भी है आपको डालना है तो वहाँ पे आप क्लिक करो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राइट टॉप कॉर्नर पे आप लोग जो है एक रेड कलर का मार्क दिखेंगे और वो वाला उसका मतलब है आपने वहाँ पे कमेंट ऐड किया है। अगर आपको कमेंट डिलीट करना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, जहाँ पे आपने कमेंट किया है वो सेल को सेलेक्ट कर लेना और वहाँ पे ये डिलीट का बटन मार देना, तो कमेंट वहाँ पे डिलीट हो गया है। जैसे कि मैम फिर से बताइए मैम। जी देखो, जैसे कि मुझे मैंने यहाँ पे मैं डिलीट कर रही हूँ थोड़ा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एसडी डाल दिया है यहाँ पे और यहाँ पे एक वैल्यू भी है। ठीक है, तो जब ये मैंने ये शीट बनाया है मैंने, तो मुझे समझ में आएगा कि एसडी का क्या मतलब है, लेकिन ये शीट में मतलब किसी और से मैं शेयर करूंगी तो उन लोगों को नहीं पता होगा कि ये एसडी का क्या मतलब है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, एसडी के वहां पे मुझे क्लिक करना है वो सेल पे, और यहाँ पे जो न्यू कमेंट का बटन है जो डाटा रिव्यू के फीचर में है, न्यू कमेंट वाला जो ये वाला ऑप्शन है उसको क्लिक करो। ठीक है, और तो एक छोटा सा विंडो ओपन हो जाता है वहां पे, तो आप वहां पे टाइप कर सकते हैं एसडी का क्या मतलब है। तो एसडी का मतलब है स्टैंडर्ड डिविएशन बोल के, तो आप फिर एंटर मार लेना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है ना, आप फर्क देखिए, ये स्टूडेंट का सेल और एसडी वाला सेल। इसमें जो है एसडी वाला सेल में आपको मैं जूम कर देती हूँ। ठीक है, तो ये एसडी वाले सेल में जो है आप लोग यहाँ पे एक रेड कलर का ये कॉर्नर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है एक रेड कलर, लेकिन नॉर्मली जो सेल में वो रेड कलर नहीं आएगा आपको। तो इसका मतलब है कि मैंने यहाँ पे एक कमेंट डाल दिया है। तो बाय डिफॉल्ट जब आप लोग वो कर्सर अपने वो सेल पे रखेंगे तो आपको राइट साइड पे जो छोटा विंडो खुल के दिखेगा और उसमें जो जो भी मैंने कमेंट किया है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है जी मैम जी ठीक है जी। मैम, इसका मतलब जो कमेंट का जी ये मत मैम ग्रामर चेक होता है ना मैम, इसको इसको यही बोलेंगे नहीं ना। नहीं 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 बेटा, वो ग्रामर चेक वाला ये ऑप्शन है,
ये वाला कमेंट का ऑप्शन है, जो ग्रामर चेक वाला मैंने यहाँ पे बता दिया था कि जी जी स्पेलिंग। वो तो बताए थे मैम, ये मतलब हाँ कमेंट का मतलब ये है कि जो एसडी फॉर्म लिख के उसका मतलब जो फुल फॉर्म होके आएगा उस पे हाँ कर्सर जी रखने के जी बाद। जी 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 जैसे कि कमेंट का मतलब आपको वो सेल के बारे में कुछ कमेंट करना है, तो वो जी आप मैम वहां पे कर सकते हैं। जी जैसे कि मुझे स्टूडेंट के जहाँ पे कमेंट करना है कि वो कौन सी क्लास के स्टूडेंट है, तो एमएड के स्टूडेंट है, तो मुझे मैं वहां पे कमेंट कर सकती हूँ कि कौन सी क्लास के स्टूडेंट है, क्योंकि नॉर्मली तो स्टूडेंट का मतलब कोई भी स्टूडेंट हो सकता है। तो जब मुझे स्पेसिफाई करना है कि कौन सी क्लास के स्टूडेंट है, तो वह मैं कमेंट के हिसाब से या कमेंट के मदद से ये कमेंट ऑप्शन की मदद से मैं यहाँ पे वो कर सकती हूँ। जी मैम, ऐसे वो शो नहीं करेगा, कर्सर रखेंगे उसमें कमेंट दिखेगा कि क्या है। जी 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 अगर मैंने जी कमेंट डाला है तो वो ऑटोमेटिकली वो कर्सर वहां पे आ जाएंगे, तो आपको वो विंडो खुल जाता, मतलब दिखेगा। ठीक है, तो रिव्यू में एक ऑप्शन क्या है जी, ये देखो प्रिंट मारेंगे आपको वो वाला, एक मिनट में दिखा देती हूँ। जी प्रिंट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, छोटा वाला ये वाला बॉक्स जो है, जी मैम जी मैम तो वहां पे जो कमेंट हमने डाला है वो नहीं आएंगे, सिर्फ वो सेल में हमने क्या टाइप किया है सिर्फ उतना ही आएंगे। जी मैम, वो हाइड रहता है, वो वही तक प्रॉपर काम करेगा, प्रिंट जी 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 प्रिंट आउट में नहीं दिखता वो। नहीं प्रिंट आउट में नहीं दिखेगा जी बेटा। ओके ठीक तभी है, दिखेगा जब एक्सेल शीट को खोलेगा वो, तभी देख पाएगा। जी, तो प्रिंट आउट में वो वाला चीज नहीं आएंगे आपको। ठीक है, तो मैम बेटा कहाँ आ रहा है क्या मैम, तो मतलब कमेंट बॉक्स में लिखने बोले एमएड, जैसे एसडी का फुल फॉर्म वहाँ पे आ रहा था ना कमेंट में, तो जी ऐसा नहीं आ रहा। देखो ये मैंने नहीं, जब तक आप यहाँ, कमेंट नहीं देंगे तब तक नहीं दिखेगा। हाँ नहीं देखेगा जी, ये नॉर्मली आप देख लीजिए कि मैंने यहाँ पे तीन चीजें लिखे हैं, स्टूडेंट, एक स्टूडेंट लिखा है, एक एसडी लिखा है, एक मेन भी लिखा है यहाँ पे। तो स्टूडेंट में मैंने कमेंट ऐड किया है, एसडी में भी मैंने कमेंट ऐड किया है, और मेन में नहीं ऐड किया है मैंने। तो जब मेरा कर्सर जो है स्टूडेंट के सेल में आएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको वो कमेंट वाला बॉक्स दिखेगा। ठीक है, और एसडी में भी जब कर्सर आएंगे तो ऑटोमेटिकली वो वाला विंडो आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं मेन के वहां पे मैंने कमेंट नहीं ऐड किया है, तो वो उसमें कोई कुछ विंडो ओपन नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो वो वाला ऑप्शन आपको मिलेगा रिव्यू में। रिव्यू में एक जो ऑप्शन है वो प्रूफ रीडिंग के लिए, जैसे कि स्पेलिंग वगैरह चेक करने के लिए, मीनिंग वगैरह देखने के लिए है, और दूसरा जो ऑप्शन है कमेंट वाला ऑप्शन। तो आपको न्यू कमेंट मतलब ये कमेंट के जो जितने भी फीचर्स है उसमें आप ऐड कर सकते हैं। ये प्रीवियस नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है आपको फर्स्ट वाला कमेंट में जाएगा, सेकंड वाला कमेंट में जाएगा, वो ऐसा है। देखो ये वाला फर्स्ट वाला नेक्स्ट कमेंट है और ये सेकंड कमेंट है। तो नेक्स्ट और प्रीवियस वाला ऑप्शन आपको कमेंट देखना है तो इसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं। मैम जी इसमें दो ही कमेंट है, दो ऑप्शन है वहां पे, प्रीवियस और नेक्स्ट, अगर थर्ड करेंगे तो फिर कैसे करेंगे? अच्छा तो उसमें नेक्स्ट करेंगे तो थर्ड में आ जाता, जैसे कि एक मिनट, मीन में मैं एक और कमेंट ऐड कर देती हूँ। ठीक है, एवरेज, ठीक है, मैंने कमेंट ऐड किया है, तो मुझे देखना है, देखो प्रीवियस वाला, प्रीवियस वाला, प्रीवियस वाला, फिर नेक्स्ट करना है। ओके मैम, जी ठीक है, तो उसमें प्रीवियस नेक्स्ट में जितने भी आप कमेंट्स डालो तो नेक्स्ट नेक्स्ट में आप जा सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है आपको कमेंट हाइड करना है या पूरा कमेंट को देखना है, तो ये वाला ऑप्शन आप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे ये कमेंट को हाइड करना है, तो यहाँ पे मैं शो कर सकती हूँ या हाइड कर सकती हूँ, दो ऑप्शन है। और मुझे पूरे मैम आपसे एक रिक्वेस्ट है मैम, जी एक कोई सिंपल उठाइए मैम, उसके बाद कोई जैसे कोई उसमें जैसे अटेंडेंस बनाई जाती है या कोई और चीज, तो उसको जी आप उठाइए मुकम्मल तौर पे, अस्तावल आखिर बताते चले जाए तो बेहतर होता मैम, हमको मुकम्मल समझ में आ जाता।
जैसे कि आप लोगों को पूरा डाटा फीड करके देखना है क्या, मतलब जी कैलकुलेशन जी वगैरह देखना है या सिर्फ एक्सेल में कैसे करना है वो देखना है आपको? जी क्या चीजें होती है, कितने तक होती है, क्या हो, तो ये आपके पास डेटा जी हो तो उसको स्क्रीन पे ला के ये हमने ऐसा किया, ये ऐसा होगा, ये ऐसा, तो बेहतर होगा मैम, अच्छे समझ में आ जाएगा, हाँ, तो एमएस वर्ड लास्ट में भी मैं बनेगा जान रहा मैम, हूँ। वर्ड तो शुरू कीजिएगा, क्या है बेटा? मैम ऐसे तो अभी एमएस तो वर्ड में, समझ में सब कुछ आ जाता है, लेकिन फिर बाद में भूल जाएंगे, ये कैसे कहाँ ले जाएंगे, फिर कहाँ ले जाएंगे मैं। एक मिनट, एक यूनिट के बाद जो है हम पूरे जैसे कि ऐसा प्रैक्टिकल वर्क जैसे करना है तो हम लोग देखेंगे किस तरह से करना है, ठीक है? तो एक बार जो है हम इस फीचर में तो थोड़ा बहुत फेमिलराइज करेंगे, उसके बाद थोड़ा प्रैक्टिकल जैसा कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, तो आगे चलेंगे। जी मैम चलिए। तो जो रिव्यू में जो ऑप्शंस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, प्रूफिंग, लैंग्वेज एंड कमेंट्स, और ये जो है चेंजेस हम वर्कबुक में या शीट में, हमारे एक्सेल शीट में हम कैसे पासवर्ड ये प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हाँ, तो उसको कैसे पासवर्ड के जरिए प्रोटेक्ट कैसे करना है वो वगैरह है। तो प्रोटेक्ट शीट में जो आप देख सकते हैं कि प्रोटेक्ट शीट में जो ऑप्शन है, जैसे कि आपको सेल में कोई और कुछ भी नहीं करना है तो आप सेल को क्या कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं और आप पासवर्ड भी डाल सकते हैं। जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं, और ये वाले जो सेल है, देखिए स्टूडेंट, तो अभी मैं वो स्टूडेंट के सेल में जो है कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं। अगर मुझे वो वाला ऑप्शन नहीं चाहिए तो क्या मुझे क्या करना है, वो सेल को सेलेक्ट करो और प्रोटेक्ट सेल करो, फॉर्मेट प्रोटेक्ट सेल, हाँ, सेलेक्ट लॉक सेल, तो उसमें मुझे पासवर्ड डालना है, तो मैंने डाल दिया 4567, ठीक है, और फिर उसको प्रोटेक्ट कर दिए। तो अभी जो है, अगर मुझे यहाँ पे टाइप करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे टाइप कर सकती हूँ, कोई भी हो, तो यहाँ पे पूरा प्रोटेक्ट हो गया है, तो मैं यहाँ पे कोई भी सेल में टाइप नहीं कर सकती जो जो प्रोटेक्ट हुआ, क्योंकि मैंने वो सेल को पासवर्ड के जरिए प्रोटेक्ट किया है, ठीक है? तो जब भी मैं टाइप करने के लिए जाऊंगी ना, तो मुझे ये वाला विंडो आ जाता है कि आप नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोटेक्टेड है, ठीक है? समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो अगर मुझे ये इसमें टाइप करना जरूरी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अनप्रोटेक्ट शीट पे जाना है और वहां पे जाके पासवर्ड डालना पड़ेगा मुझे, और फिर उसको अनप्रोटेक्ट करना है। तो अभी मैं देखो आप लोग, अभी मैं टाइप कर सकती हूँ यहाँ पे, तो आपके वर्कबुक को आपको प्रोटेक्ट करना है, किसी को भेजना है आपको प्रोटेक्ट करके, तो आप पासवर्ड के जरिए जो है वो शीट को, वो पूरे शीट को, पूरे सेल को आप लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वो है ये वाला चेंजेस, प्रोटेक्ट शीट या प्रोटेक्ट वर्कबुक का ऑप्शन, ठीक है? वो है रिव्यू में जो है इतने सारे फीचर्स आपको मिलेंगे। और नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है व्यू, व्यू ऑप्शन है, उसमें आप लोग अपने शीट को किस तरह से देख सकते हैं। जैसे कि ये नॉर्मल व्यू है, ये शीट का ये है नॉर्मल व्यू, उसको हमें पेज ब्रेक प्रीव्यू में देखना है या पेज लेआउट बदल के देखना है, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है। तो ये है उसका पेज ब्रेक प्रीव्यू, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ हमने काम किया है तो वही पेज अब हमें दिखेगा, ये नॉर्मल व्यू है तो सारे शीट आपको दिखेंगे। और ये पेज लेआउट, आपका पेज लेआउट कैसा है, देखो हर पेज उसका अलग अलग, ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड पेज है, उसी हिसाब से आपको पेज लेआउट में देख सकते हैं।
एक कस्टम यूज में आप लोग अपना पेज लेआउट, यहाँ पे जो पेज लेआउट आप लोग बदल देते थे, इसी तरह जो है कस्टम यूज में आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो नॉर्मल वाला ये है, और ये पेज ब्रेक प्रीव्यू का मतलब आप लोगों ने कहाँ तक काम किया है, सिर्फ उतना पेज आपको दिखेगा। पेज प्रीव्यू देखो, इतना ही हमने टाइप वगैरह किया था, तो सिर्फ वहीं पर ही मौजूद है वो पेज प्रीव्यू का। और पेज लेआउट में अपना ये हर शीट जो है अलग अलग पेज जैसा दिखेगा आपको पेज लेआउट में। तो रिव्यू में फर्स्ट ऑप्शन है वर्क व्यू, कैसे देखना चाहते हो आप लोग वर्क व्यू। और दूसरा जो है शो, जैसे कि आपके इसमें देख सकते हैं कि फॉर्मूला बार भी है यहाँ पे, हेडिंग वगैरह भी आपको दिख रहा है, ग्रिड लाइंस भी दिख रहा है। तो अगर हमें ग्रिड लाइंस नहीं देखना है, तो आपको क्या करना है, ये वाला बॉक्स जो है अनचेक, यहाँ पे जो टिक मार्क है उसको क्लिक करो, तब आप लोगों का जो ग्रिड मार्क जो सेल्स वगैरह यहाँ पे था वो गायब हो गया है। अगर वो फिर से दबाएंगे हम तो वो वापस आ जाता। तो ग्रिड लाइन देखना है कि नहीं, वो ऑप्शन यहाँ पे है। और ये हेडिंग्स वगैरह जो किसी ने पूछे थे ना कल, ये वाला जो नंबरिंग आपको देखना है या नहीं देखना है बोल के, तो ये हेडिंग्स में जो ऑप्शन है आप लोग अनटिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन भी यहाँ पे चले जाता है। ए बी सी डी भी गायब हो गया है, ये 1 2 3 4 5 भी गायब हो गया है। तो आपको देखना है तो यहाँ पे क्लिक करो। और ये वाला फॉर्मूला बार, जैसे कि हम एफएक्स वगैरह देखते थे ना, यहाँ पे ये सेल का नेम और जो भी टाइप किया है वो वाला, तो ये वाला चीजें जो है फॉर्मूला बार जो है वहां वहीं से चले जाएंगे जब उसको क्लिक करेंगे या सेलेक्ट करेंगे। वो है शो। और रूलर का भी है, अगर रूलर आपको देखना है तो यहाँ पे रूलर का भी ऑप्शन है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन जो है जैसे कि रोलर माइक्रोसॉफ्ट एमएस वर्ड में कैसे होता है उसी तरह इसमें नहीं होता है, तो बाय डिफॉल्ट जो है वो रोलर का गायब है, मतलब इनएक्टिव है। तो एक जो है पेज लेआउट या वर्कबुक व्यूज के बारे में है, और दूसरा जो ऑप्शन है शो, शो का मतलब आपको टाइटल या फॉर्मूला बार या ग्रिड लाइंस वो सारे चीजें आपको देखना है या नहीं देखना, हाइड करना है अनहाइड करना है, उसके लिए ऑप्शन है शो में। और ये वाला जो ऑप्शन है जूम करने के लिए, जैसे कि जूम कर सकते हैं, यहाँ पे जो जूम का ऑप्शन है तो आप लोग यहाँ पे 100 में 200 में जूम करना है तो 200 सेलेक्ट करो, तो आपका जो शीट जो है जूम हो गया है। ठीक है, और आपको सिर्फ सिलेक्शन वाला जूम करना है तो सेलेक्ट करो फिर वहां पे जूम करो, तो सिर्फ वो वाला मतलब उसी हिसाब से वो जूम होगा। ठीक है, वो है जूम वाला ऑप्शन। और ये जो ऑप्शन आप देख सकते हैं कि न्यू विंडो, मैंने यहाँ पे एक वर्कशीट खोला है और दूसरा वर्कशीट मैंने अभी खोल दिया है, तो उसको हमें दोनों को भी देखना है एक साथ। तो हमें क्या करना है, व्यू में जो है अरेंज ऑल साइड बाय साइड ऑप्शन है आपको, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये वाला भी इसके साथ यहाँ पे खोल, यहाँ पे ये बुक 2 है और यहाँ पे जो है बुक 1 है, तो दोनों विंडो दोनों शीट जो है एक साथ आप लोगों को कंपैरिजन पर्पस के लिए यहाँ पे खुल जाता। तो वो हॉरिजॉन्टल में आना है या वर्टिकल में आना है वो आपकी मर्जी से, यहाँ से आप कर सकते, ये साइड बाय साइड कर सकते, ये साइड बाय साइड करना है हाँ उसी हिसाब से आप कर सकते हैं। तो मैं बंद कर रही हूँ। मैम जी एक बार डबल व्यू जैसे कि अभी बोले दूसरा विंडो भी उसमें खोल सकते हैं, उसको एक बार फिर से दिखा दीजिएगा। 1 मिनट, तो यहाँ पे देखो एक विंडो है, दूसरा विंडो भी मैंने ओपन करके रखा है। तो मुझे व्यू में, व्यू ऑप्शन में, व्यू साइड बाय साइड का ऑप्शन आप दिख रहा है ना, व्यू साइड बाय साइड अभी मैम हाँ शेयर दिख नहीं रहा मैम।
ये नहीं दिख रहा अभी। एक मिनट एक मिनट। अभी दिख रहा बुक टू? अभी आ रहा है ना? यस मैम, जी बुक जी टू वहां शो कर रहा ऊपर। हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे व्यू ऑप्शन में आपको व्यू साइड बाय साइड का ऑप्शन आप दिख रहा है यहाँ पे, यस हाँ मैम, यस मैम, जी, उसको क्लिक करो तो यहाँ पे दो विंडो खुला, दो वर्कशीट मैंने खोल के रखा है इसलिए वो दो वर्कशीट आपको दिख रहा है। यस ठीक मैम। है, तो कंपेयर साइड बाय साइड विद कौन सी वर्कबुक से आपको कंपेयर करना है, क्योंकि सिर्फ यहाँ पे दो ही विंडो खुला है तो दो ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। तो हमने जो ओपन करके रखा है वो बुक टू है, जो नीचे का जो मतलब मैंने आपको नहीं दिख रहा है वो वाला अटेंडेंस शीट है, तो उसको उससे मुझे कंपेयर करना है। तो मुझे ओके करना है यहाँ पे, तो आपको दो विंडो यहाँ पे आ गया है, जैसे कि बुक टू ऊपर आ गया है और अटेंडेंस का जो शीट यहाँ पे नीचे आ गया है, तो दोनों विंडो आप कंपेयर कर सकते हैं, तो एक साथ वो आपको खुल जाता। ठीक है, जी मैम, ओके। और यहाँ पे जो है स्विच टू विंडोज, जैसे कि दो शीट अभी खुला है तो आपको सिर्फ एक ही बुक में अभी जाना है, तो क्या करना है, तो आपको स्विच विंडोज के ऑप्शन में जाना है। जैसे कि एक्टिव विंडो अभी बुक वन है, तो अटेंडेंस मैंने बुक का नाम अटेंडेंस लिखा है तो इसमें चले गए तो ये वाला एक्टिव होगा, नहीं तो ये वाला एक्टिव होगा, वो है स्विच विंडो। तो व्यू में ऑप्शन है आप देख सकते हैं कि तीन, और दूसरा जो ऑप्शन है फ्रीज पेंट, फ्रीज पेंट का ऑप्शन मैं आपको दिखाऊंगी। एक मिनट, मैं एक दूसरा अंदर खोल देती हूँ, दूसरा दे बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही। एक मिनट, मैं शेयर नहीं किया है बेटा, एक मिनट। जी, अभी मैंने एक वर्कशीट खोल के रखा है यहाँ पे, और हम व्यू में जाएंगे और फ्रीज पेंट्स क्या है वो देखेंगे। ठीक है, फ्रीज पेंट्स, जैसे कि फ्रीज पेंट का ऑप्शन, इसका मतलब है जी, मुझे जो है ये रो जो है फ्रीज करना है मुझे। जैसे कि जब आप लोग स्क्रॉल करेंगे वर्कबुक को तो आप देख सकते हैं कि ऊपर का ये वाला सारे जो सेल्स जो है स्क्रॉल करके जाएंगे, तो आपको ऐसा नहीं है कि ये इसका टाइटल नहीं दिखेगा यहाँ पे। तो फ्रीज पेंस का मतलब ये है, अगर यहाँ पे इस रो को हमने सेलेक्ट करके वहां पे फ्रीज पेंस का ये कर दिया है, फ्रीज पेंस, ठीक है, और अभी अभी मैं स्क्रॉल करूंगी तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट रो जो है वहीं पर ही फ्रीज है। देखो जब मैं स्क्रॉल
स्क्रॉल कर देती हूँ, लेकिन ये फर्स्ट रो जो है स्क्रॉल नहीं हो रहा है क्योंकि वो वहां पे फ्रीज हो गया है। लेकिन और जी नॉर्मली जो है जब आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो पूरे सारे सारे चीजें जो है स्क्रॉल जो होते जाएंगे। जैसे कि ये मैं अनफ्रीज करके आपको बता देती हूँ, ठीक है। देखो अभी ये फर्स्ट लाइन में मतलब आपको कुछ भी नहीं दिख रहा स्क्रॉल कर रहे थे, लेकिन मैं जब फ्रीज करूंगी ये सेल जो है, तो आप जब फ्रीज ये करेंगे तब स्क्रॉल करने के बाद भी वो वाला टाइटल वगैरह वहां पे आपको दिखेगा। उसका मतलब है वो उसको फ्रीज करना, ठीक मैम, है। एक से ज्यादा सेल को मैं फिल कर सकता हूँ? आज जिस सिलेक्शन के हिसाब से आप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन है अनलॉक ऑल रोस, कीप द टॉप रो, कीप द फर्स्ट रो, ऐसे बोल के भी है। तो आप उसके हिसाब से सेलेक्ट करो, ये सिलेक्शन के हिसाब से, बेस्ड ऑन करंट सिलेक्शन है ना, तो करंट यस मैम, सिलेक्शन के हिसाब से आपका जो सेल है या कॉलम है उस वो फ्रीज हो जाता, ठीक है। यस मैम। पेज ब्रेक ओके, से क्या होगा? पेज क्या है ब्रेक ब्लैंक पेज पे? पेज नहीं, पेज ब्रेक से क्या होता वहां पे मैम? ब्रेक जी मैम, लेफ्ट साइड ले, में। हाँ जी, ये वाला जो पेज ब्रेक मैंने बताया था कि अगर हमने पेज एक वर्कशीट में कितने पेजेस तक काम किया है, सिर्फ उतना ही आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू में दिखेगा। जैसे कि ये नॉर्मल प्रीव्यू ऐसा है, डबल हाँ जो भी है, देखो देखो यहाँ रिव्यू पे देखो, हमने जितने भी काम किया है वही पेज को सिलेक्शन करके बताएंगे ये, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा ब्लैंक है, सिर्फ ये पेज दिखेगा वहां जहाँ पे हमने काम किया है। ये पेज वन है और इसके नीचे पेज टू का भी हमने शुरू किया था, तो इतना ही आपको पेज ब्रेक प्रीव्यू में दिखेगा। वो पेज ब्रेक व्यू नहीं है, प्रीव्यू है, सिर्फ प्रीव्यू आपको बताएंगे। तो जब आप प्रिंट आउट वगैरह ले लेंगे ना, तब आपको आप देख सकते हैं कि आपका पेज ब्रेक कहाँ पे है। देखो ये डॉटेड लाइंस जो है वो प्रिंट ऑप्शन का है, यहाँ तक कि आपको प्रिंट आएगा। जैसे कि हमें अभी प्रिंट का ऑप्शन दबाएंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे Q1 एंड Q2 तक ही है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे तो टोटल का भी ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे क्या है प्रिंट लेआउट यहाँ तक ही आएगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये डॉटेड लाइन वो प्रिंट का ऑप्शन है, और यहाँ से दूसरा पेज है यहाँ। वही तो क्या प्रिंट एरिया था उसमें, क्या है? जितना डॉट डॉट दिखा रहा वही तक उसका प्रिंट एरिया सेट है। जी, वहां तक ही प्रिंट एरिया सेट है। तो ये पेज वन है, पेज टू ये है, और ये पेज थ्री ये है, और ये पेज फोर है। तो ये फोर पेजेस आपको प्रिंट में आएगा, लेकिन ये पेज थ्री एंड पेज फोर जो है ब्लैंक आएगा, और पेज टू में तीन कैरेक्टर्स आएंगे। जैसे कि मैं दिखाऊंगी आपको, ये है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पेज वन है और ये पेज टू है, ये पेज थ्री है और ये पेज फोर है, क्योंकि हमने वहां पे ये वगैरह ब्लॉक्स वगैरह लिखा है, सेलेक्ट किया है, तो उसमें प्रिंट आउट में वो देखिएगा आपको, ठीक है। वो है पेज ब्रेक प्रीव्यू, सिर्फ प्रीव्यू है, आप वैसे देख सकते हैं, लेकिन उसमें काम करने के लिए तो आपको नॉर्मल शीट उसमें ही जाना पड़ेगा। मैम, पेज ब्रेक क्लिक करने से वो स्पीड खत्म भी हो जाता है मैम? पेज ब्रेक, ये स्टैंडर्ड जो स्पीड का है ना, वो स्पीड खत्म भी हो जाता है? मैं एक बार क्लिक किया था हाँ उसके पहले। जी, हाँ जी, वो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं इतना ही हमने सेलेक्ट करके यहाँ पे काम किया है ना, तो यहाँ तक ही आपका पेज ब्रेक प्रीव्यू आ जाता है। या ये वाला जो जगह आपको नहीं दिखेगा उसमें, नहीं, ये जो अगर कॉलम मैं वाला स्टैंडर्ड है ना, कॉलम वाला स्टैंडर्ड खत्म हो जाता है। जी, तो अगर मैंने यहाँ पे काम किया है, ठीक है, और आप पेज प्रीव्यू में देखिए तो वो वाला भी इसमें आ जाता। देखो यहाँ पे, हाँ तो या फिर जी जी मैम, यही ठीक बोल है, रहे, सिर्फ हाँ सिर्फ वो कॉलम वाला आ नहीं रहा था, ऐसे कर रहे थे। जी, ये जहां तक हमने काम किया है वो वाला पेज ब्रेक
ब्रेक में आएगा, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ मतलब सिलेक्शन वगैरह किया हो, यहाँ पे हमने कुछ भी टाइप करेंगे या कुछ भी कोई भी कॉलम वगैरह यहाँ पे बनाएंगे, वो सारे जो है पेज ब्रेक में आ जाता, पेज ब्रेक में। जैसे कि मैंने कॉलम यहाँ पे ऐड किया और व्यू में जाके मुझे पेज ब्रेक प्रीव्यू देखना है, तो ये देखो यहाँ पे ये कॉलम का भी देखा आ गया है यहाँ पे। तो वो है पेज, नॉर्मल नॉर्मल में फिर कॉलम वाला आ जाता है। नहीं नॉर्मल जो आपको पूरा पेज पूरा वर्कशीट दिखेगा आपको, देखो पूरा वर्कशीट यहाँ पे दिख रहा है ना, लेकिन पेज ब्रेक में आपको पूरा वर्कशीट नहीं दिख रहा है, ये वाला यहाँ स्पेस ब्लैंक है यहाँ पे, लेकिन सिर्फ हमने जो पेजेस में या जगह पे काम किया है सिर्फ उतना ही पेज आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो है कुछ डी सिलेक्शन जैसे आपको जी मैम, दिखेगा। यानी टेबल में जितना सेल लिए है मैम उतना दिखेगा। आ जी टेबल जरूरत नहीं है बेटा, टेबल नहीं है तो भी आपको दिखेगा, जैसे कि मैं आपको बताऊंगी कि एक नो शीट में यहाँ पे कर देती हूँ, ये न्यू शीट है ना, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ नंबर डाले हैं, ठीक है, इतना मैंने कुछ टाइप करके रखा है, तो मुझे पेज ब्रेक दिखना है, तो मुझे मैंने जितने यहाँ पे टाइप किया है वो दिखेगा, टेबल जरूरत नहीं है, देख रहे हैं आप लोग, मैंने यहाँ पे कोई टेबल वगैरह इंसर्ट नहीं किया है, सिलेक्शन नहीं किया है, लेकिन मैंने जो जहां पे टाइप किया है उतने सेल्स तक का वो दिख रहा है यार मुझे। मैम वो वहां पे क्लिक किए तो सीट खत्म हो गया, सीट वो आ नहीं रहा फिर। यहाँ पे आप वही तो बोल रहे हैं ना, पेज ब्रेक का मतलब जहां तक हमने काम किया है उतना ही आपको आएंगे, मैम वो मेरा मतलब सीट वो फिर आ नहीं रहा दोबारा क्लिक करने। दोबारा नॉर्मल में क्लिक करो, नॉर्मल वाला जो ऑप्शन है ना उसमें क्लिक करो, नहीं आ रहा। वो आएगा ना, देखो पेज प्रीव्यू में मैंने क्लिक किया ये आ गया है, नॉर्मल में क्लिक किया तो ये आ गया, नॉर्मल का ऑप्शन नहीं दिख रहा है क्या उसमें, जी मैम नहीं है, है वहाँ। हाँ तो उसमें क्लिक करो, तो ये है व्यू, व्यू में जितना ऑप्शन है, तो एमएस एक्सेल का ऑलमोस्ट हमने फीचर्स कवर किया है, एक जो होम मैम जी व्यू में और एक ऑप्शन आता है ना, विंडो कौन सा विंडो, विंडोज मैम, जैसे कि यूज क्रिएट शीट न्यू विंडोज। ये वाला जी मैम यहाँ तो दिख रहा है विंडोज व्यू के नीचे इधर वही जो तो ये वाला ना, कहाँ रखे मैम जिम कस्टमर। जी मैम स्विच विंडोज, ये तो स्विच हो जाएगा ना मैम। मैम व्यू में न्यू विंडो आ रहा है उसके अरेंज ऑन के जी बगल में जैसे सीरीज मैम के। क्लिक ऑन व्यू करेंगे उसके बाद क्लिक ऑन विंडोज करेंगे। ये वाला ऑप्शन आप बोल रहे हो, न्यू विंडो अरेंज ऑल वो वाला, जी। हाँ तो वही तो मैंने बताया था ना, न्यू विंडो आपको कैसे खोलना है, जैसे कि मैंने एक मिनट, ये शीट ये आप देख सकते कि बुक 1 2 ऐसे है ना यहाँ पे, तो आप न्यू विंडो में खोलेंगे तो आपका न्यू शीट खोलेगा वहां पे, बुक ये खोले देखो बुक 1 3, समझ गए आप, जी, समझ गया मैम। हाँ तो यहाँ पे 3 शीट खोला है मैंने, और मैम जी इसमें आप तो माउस के मतलब थ्रू बताया कि मैम क्या क्या होता है, हम कीबोर्ड के थ्रू में कुछ कुछ ऐसे होता है जो काम उसको कैसे करेंगे मैम। कैसे थ्रू जो मैम ये तो माउस के थ्रू आप वहां जाके क्लिक किए या हाँ किए, मतलब हाँ कीबोर्ड के थ्रू आप कुछ नहीं बताए मैम। हाँ हाँ वो मतलब शॉर्टकट आप बता रहे हो जी मैम जैसे जी, कंट्रोल कंट्रोल आई कंट्रोल ओ से क्या होता है, कंट्रोल प्लस ओ से क्या होता है।
हाँ वो तो जनरल है, वो शीट से मुताबिक नहीं है, जैसे कि एमएस एक्सेल में, एमएस वर्ड में ऐसा स्पेसिफिक कंट्रोल नहीं एस से है कट होता अब है वो। मैम। एक्सेल में कीबोर्ड का भी जरूरत पड़ता है ना मैम। कीबोर्ड से भी कई इंटरव्यू में पूछ लेता है कि कंट्रोल प्लस ओ से एक्सेल में कौन सा काम होता है, तब फिर हम क्या हाँ जवाब देंगे मैम। एक मिनट मैं बता रही हूँ आपको, आपको शॉर्टकट जो आप लोग बता रहे हैं वो एमएस वर्ड में, एमएस एक्सेल में या एमएस पावर पॉइंट में एक ही काम करे, जैसे कि कंट्रोल ओ से न्यू न्यू शीट जो है ओपन हो जाता है, जैसे कि एमएस वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है, एमएस एक्सेल में न्यू शीट ओपन हो या न्यू वर्कशीट ओपन हो जाता है, एमएस पावर पॉइंट में न्यू पावर पॉइंट का स्लाइड ओपन हो जाता। तो ये शॉर्टकट जो है सारे एमएस ऑफिस में काम आ जाता है। तो ये तीनों टॉपिक, ये एमएस वर्ड हो गया, अभी एमएस एक्सेल का तो ऑलमोस्ट खत्म है, और एमएस पावर पॉइंट के बाद जो है हम शॉर्टकट के बारे में देखेंगे कि किस तरह से शॉर्टकट काम कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मुझे जी यहाँ पे न्यू शीट खोलना है तो मुझे कंट्रोल एन दबाना है, कंट्रोल प्लस एन, वो एमएस वर्ड में भी सेम शॉर्टकट है, एमएस एक्सेल में भी सेम शॉर्टकट है, और एमएस पावर पॉइंट में भी। जैसे कि मुझे न्यू न्यू खोलना है तो मुझे कंट्रोल न्यू का ऑप्शन करना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग सेव करने के लिए कंट्रोल एस दबा सकते हैं, तो वो कंट्रोल एस का ऑप्शन एमएस वर्ड में भी लागू है, एमएस एक्सेल में भी लागू है, एमएस पावर पॉइंट में भी। तो शॉर्टकट वगैरह जो है स्पेसिफिक एमएस वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट के लिए स्पेसिफिक नहीं है, जनरली तीनों के लिए वो शॉर्टकट एक ही जैसा इस्तेमाल होगा। तो ये तीनों के बाद जो है हम थोड़ा बहुत वो शॉर्टकट के बारे में देखेंगे कि आप लोग मतलब आपको चाहिए तो मैं शॉर्टकट आपको मैं बताऊंगी क्या क्या है। जी ठीक मैम। है मैम व्यूज जी, में अगर हम किसी कॉलम को हाइड करते हैं, जैसे हम तो माउस के द्वारा यहाँ पे हाइड का ऑप्शन है या फिर शो का ऑप्शन है हम तो कर लेते हैं, जी जैसे वैसे अगर हमको कंट्रोल के साथ यानी कीबोर्ड के साथ काम करें तो उस शो को हम कैसे ये करेंगे मैम। वही तो मैं बोल रही ना, तो एक साथ एक सेशन में वो मैं आपको बताऊंगी कि वो मतलब शॉर्टकट क्या क्या है। ठीक है, ओके मैम। ओके ओके। मैम तो एमएस एक्सेल को ऑलमोस्ट खत्म किया है मैंने, तो आप लोग अगर आपके पास लैपटॉप वगैरह है तो आप लोग एक देख लीजिएगा, और अगर कोई फीचर के बारे में आपको डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में मुझे पूछो। तो नेक्स्ट क्लास से हम एमएस पावर पॉइंट के शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक शायद फर्स्ट यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक एमएस पावर पॉइंट का है, तो स्लाइड कैसे बनाएंगे पावर पॉइंट में, न्यू स्लाइड कैसे इंसर्ट करेंगे, बैकग्राउंड कैसे चेंज करेंगे, तो वो वगैरह हम नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है,